ये तो अभी यही है कि भाई आपको पता है कि मानसून और इससे लेके रिलेटेड जो है एक रेड अलर्ट जारी हुआ हुआ है। तो फिर हमने पिछली बार भी बहुत बड़ी आपदा देखी है, तो अभी यही लोगों से गुजारिश है कि अपने आप को सुरक्षित रखें। मॉनसून सीजन को लेकर नगर निगम सोलन ने कमर कस ली है। इसको लेकर शहर के सभी वार्डों में नजर रखी जा रही है। वहीं अधिकारियों को भी शहर के सभी वार्डों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम सोलन की कमिश्नर ने लोगों से आग्रह किया है कि कहीं पर भी यदि लैंडस्लाइड जैसी घटना सामने आती है तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें या फिर निगम को दें, ताकि समय रहते वहां पर राहत बचाव कार्य किया जा सके। ये हमारी जो है दो तीन पार्किंग प्रपोज्ड है सोलन के लिए, जिसमें दो पार्किंग्स जो है जो बिल्कुल हमारे ऑफिस के पास ही है, ठोडो ग्राउंड के पास, एक ठोडो ग्राउंड की एंट्रेंस जहां फायर का ऑफिस है वहां पे, और एक पार्किंग जो है हमारे अपने कैंपस में बननी है। तो इसी की सॉइल टेस्टिंग के लिए हमने जो है NIT हमीरपुर की टीम बुलाई हुई थी, तो वो टीम ने कल ये दो साइट्स की करी है। और एक जो है हमारा मतलब मल्टी पर्पस कॉम्प्लेक्स टाइप, जिसमें पार्किंग भी बननी है, ओल्ड बस स्टैंड पे प्रपोज्ड है काफी समय से, सो उसकी भी सॉइल टेस्टिंग रिक्वायर्ड थी बिफोर डिजाइनिंग, तो आज जो है वो उसी की सॉइल टेस्टिंग हो रही है। ये तो अभी यही है कि भाई आपको पता है कि मानसून और इससे लेके रिलेटेड जो है एक रेड अलर्ट जारी हुआ हुआ है। तो फिर हमने पिछली बार भी बहुत बड़ी आपदा देखी है, तो अभी यही लोगों से गुजारिश है कि अपने आप को सुरक्षित रखें और इन चीज़ों पर ध्यान दें कि कहीं पर उन्हें लगता है कि कोई ऐसा एरिया है जहां पर शायद भूस्खलन जो होता है, लैंडस्लाइड का डर है या इस चीज़ का डर है, सो उनको उस वक्त टाइमली इन्फॉर्म करें, हमें इन्फॉर्म करें, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें, ताकि हम करेक्टिव मेजर्स जो है उस पर ले सकें। और जहां तक हमारी पानी की भी बात है, वो आप समझते हैं कि पहले तो पानी समर्स की वजह से एक इशू रहता था, अभी जो है इतनी गाद जो हमारे पानी में आ जाती है तो उसकी वजह से भी रेनी सीजन में भी थोड़ा सा इशू रहता है। तो लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि बेवजह पानी वेस्ट ना करें, अपने टैंक्स में जो है वो फ्लोटिंग वॉल्व वगैरह लगा के रखें, ताकि अननेसेसरी पानी वेस्ट ना हो, और यही मैं कहना चाहती हूँ।